I will speak to the message we send in both India and Pakistan. We support constructive dialogue. We support diplomacy between India and Pakistan to resolve, again, another set of longstanding disputes. We are a partner. We are willing to support that process in any way that they deem appropriate. But ultimately, these are decisions that India and Pakistan themselves are going to have to make. अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाजात के हल के लिए सालिसी पर तैयार। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान नेट प्राइस का कहना है, पाकिस्तान और भारत को अपने तनाजात के हल के लिए अमरीका के सालिस बनने का फैसला दोनों ममालिक को खुद करना होगा। दोनों ममालिक अमरीका के किरदार पर इत्तेफाक करते हैं तो अमरीका इसके लिए तैयार है, लेकिन ये अमरीका के बस की बात नहीं कि पाक भारत बातचीत का तरीकेकार तय करे। अमरीका पाक भारत तनाजात के हल के लिए सिफारतकारी और बामाने मुज़ाकरात की हिमायत करता है। कराची में नबी बख्श थाने के हदूद में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम और डाकुओं का आमना सामना। फायरिंग के तबादले में दो डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलाह और मोटरसाइकिल बरामद। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और नॉर्थ नाजमाबाद में भी पुलिस मुकाबला। दो डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। मुलजमान से असलाह भी मिला। नई कराची में शहरियों से मोबाइल फोन छीन कर फरार होने वाले मोटरसाइकिल सवार दो डाकुओं पर शहरी ने फायरिंग कर दी। डाकू जख्मी होने के बावजूद फरार। वाकई की सीसीटीवी फुटेज न्यूज वन ने हासिल कर ली। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गिरफ्तार दो मुलजमान को बरामदगी के लिए ले जाते हुए मुलजमान के साथियों का हमला। पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। दोनों मुलजमान अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। नून लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का इंडिया या अवामी मकबूलियत में कमी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की ख्वाहिश। ख्वाजा साद रफीक ने रात गए ट्वीट किया, बब्बर शेर जंगली जानवरों को हड़प करने आ रहा है। सियासतदानों समेत सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कोई बात नहीं होगी। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू। बोले, जिसके साथ अवाम हो उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। कभी आर्मी चीफ से मुलाकात का नहीं कहा। जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से भी गुफ्तगू। हुक्मरानों पर इलेक्शन से भागने का इल्जाम दोहरा दिया। किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल कराने का खदशा भी जाहिर कर दिया। बोले, ये चाहते हैं मैं ना अहल हो जाऊं या जेल चला जाऊं। वीडियो लिंक खिताब में दोबारा सड़कों पर निकलने और जल्द इंतखाबी जलसे शुरू करने का ऐलान। कॉल दी, कोई रैली की जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे बल्कि जब तक पुलिस खड़े रहे, खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं उठी। कोर्ट जाने के लिए बीमार, रैली के लिए तैयार। अदालत में जान का खतरा होता है या रैली में? चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के इमरान खान पर तीखे वार। लाहौर में पार्टी के नौजवान क़यादत से खिताब में कहा, जब से बैसाखियां गईं तब से अकल ठिकाने नहीं आ रही। खुद छुपकर बैठा रहा और कौम के बच्चों को कहता है सड़कों पर निकलो। पहला गिदर देखा जो खवातीन से कहता है मेरी हिफाजत करो। जब तक पुलिस खड़ी रही ये चारपाई से नीचे नहीं निकला। एक बार फिर वाजे कर दिया, पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। इमरान खान एक बार फिर अदालतों में पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकदाम कत्ल केस में साबिक वजीर आजम की उबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी कर दी। इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। खातून जज को धमकाने के केस में भी कप्तान की हाजिरी से इस्तस्ना मिल गया। टेरियान केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ फर्जा सलाई के केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्वेटा ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इमरान खान की तकरीर और प्रेस टॉक पर पेमरा की पाबंदी का हुक्म मौतल। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने केस मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का दोनों असम्बलियों के आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर अहम इजलास आज होगा। कमीशन को सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर के पी के को एक और खत, हाजी गुलाम अली को इंतखाबी तारीख से मुतालिक हतमी मशावरत के लिए 14 मार्च को मधु कर लिया। गवर्नर हाउस पेशावर को इलेक्शन कमीशन का खत मौसूल हो गया। पीटीआई के कारकुन अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मकतूल की मौत दिमाग में गहरी जर्ब आने के बाद खून ज्यादा बहने से हुई, जिगर और लबलबे में खून जमा होना भी मौत की वजह बना। रिपोर्ट में इंकशाफ, पुलिस की बिलावल को गिरफ्तार करने की फुटेज और बिलाल की मईत अस्पताल लाने वालों की तस्वीर भी सामने आ गई। हमारा बेटा मारा गया है, FIR तक दर्ज नहीं की गई, बिलाल के वालिद की दुहाई। अली बिलाल पीटीआई के अपने कारकुनों के पथराव का ही शिकार हुआ। इमरान खान अपने साथ मुसल्ला जत्थे लाए जिसने पुलिस पर पथराव किया और लाठियां डंडे बरसाए। पुलिस का मौकफ, इमरान खान पर पर्चा काट दिया। पुलिस ने पीटीआई के कारकुन की मौत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। पीटीआई ने भी कारकुन की हलाकत पर निगरान वजीर आला पंजाब, वजीर दाखिला राना सनाउल्ला और पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। पीटीआई कारकुन अली बिलाल के अहले खाना से इमरान खान की जमान पार्क में मुलाकात। कप्तान ने अली बिलाल को खास करार दे दिया, बोले लोग इसे पसंद करते थे, अफसोस अली से मुलाकात का मौका न मिला। एतजाज एहसन बोले, अली बिलाल की शहादत कैमरों के सामने हुई, जो डंडे मारते नजर आए उन्हें फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। मरियम नवाज का पीटीआई कारकुन अली बिलाल की मौत की तहकीकात का मुतालबा, बोली सियासी कारकुनों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन कल कोई सियासी कारकुन नहीं थे। सवाल किया कि सियासी कारकुन की जान कीमती है, पुलिस वाले की नहीं। अली बिलाल की शहादत के जिम्मेदार 4 लोग हैं, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान की अहलिया की दोस्त फरा गोगी के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ी पेशर, FIA ने वारंट गिरफ्तारी फरा गोगी के घर में वसूल करवा दिए। FIA का कहना है कि फरा गोगी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। साबिक वजीर अल पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साबिक मुशीर और चेयरमैन शिकायत सेल जुबैर अहमद खान रावलपिंडी में घर के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा। अहले खाना का दावा है कि अगवाकार 2 गाड़ियों और 3 मोटरसाइकिलों पर आए। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। थाना रेस कोर्स में नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुट्ठी भर गुमराह अनासर बलूचिस्तान के अवाम और मुसल्ला फौज के अजम को मुतजलजल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी का दौरा गवादर में वाजे और 2 टोक पैगाम। सिपा सलार को ऑपरेशनल तैयारियों और CPAC सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। सैयद आसिम मनी की मुंतखब नुमाइंदों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से भी मुलाकात। इलाके की समाजी और इक्तिसादी तरक्की पर जोर। शुमाली वजीरस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 9 हो गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि मकामी लोगों ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुकम्मल तआवुन का इजहार किया। कराची पुलिस चीफ का जमीनों पर कब्जों का एतराफ, कार्रवाई के लिए बेबसी का भी इजहार। जावेद आलम ओडू ने बिल्डर्स को कब्जों के खिलाफ रेवेन्यू और एंटी करप्शन का दरवाजा खटखटाने का मशवरा दे दिया। बोले मेरा बस चले तो हुक्मनामा निकाल दूं कि जमीनों के मामले पर पुलिस दखल न दे। ताजरों का प्राइवेट फोर्स बनाने का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया।
वजीर खजाना इसाक डार IMF से जल्द मुआहदे के लिए पुरमीद। सेमिनार से खिताब में कहा, हालात जैसे भी हों साबिक हुकूमत के IMF से मुआहदे की पासदारी की जाएगी। महंगाई और बढ़ने और सरमायाकारी में कमी का सबब इमरान खान की गलत पॉलिसियों को करार दे दिया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट न होने का भी दावा। चीन से पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्ज की रकम मौसूल। मुल्की जर मुबादला के जखायर में इजाफा। एक हफ्ते में मरकजी बैंक के जखायर 48.69 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4.3 अरब डॉलर हो गए। माह सयाम करीब आते ही मुनाफा खोर बेलगाम। कराची में हर रोज नया दाम, परेशान हो गए अवाम। लाहौर में भी मुनाफा खोरों की अवाम से लूटमार। आटा, चीनी, घी समेत चिकन, फल, सब्जियों की कीमतों में होशुबा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का राज। घी के बाद वजीर आजम पैकेज के तहत चीनी भी 2 रुपए किलो महंगी 91 रुपए किलो हो गई।